कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उत्तर ही पारा। नमस्कार, यूएफटी न्यूज 24 में आपके साथ मैं हूं सिमरन कौर। इस कलयुगी समय में जीवों को नामदान देकर जीते जी उनके असली घर सतलोक पहुंचने का रास्ता बताने वाले पूरे संत बाबा उमाकांत जी महाराज ने अपने उज्जैन आश्रम से 7 अगस्त 2020 को यूट्यूब चैनल जय गुरुदेव UKM पर प्रसारित सत्संग में बताया कि इस कलयुग में केवल नाम ही सबका आधार है, इसी से कल्याण होगा। लेकिन लोगों को पता ही नहीं कि रामायण में ग्रंथों में जिस नाम की महिमा गाई गई है वो क्या है, कैसे मिलेगा, कौन देगा और कैसे उससे हमारा कल्याण होगा। उस नाम को केवल पूरे संत ही बता सकते हैं। इसलिए अपनी जीवात्मा के उद्धार के लिए सबसे पहले समय के पूरे गुरु, पूरे संत को खोजो, उनसे नाम का दान लो और जीते जी अपनी आत्मा का कल्याण कर लो। अब आपको यह समझने की जरूरत है कि वो कौन सा नाम, कि सुमे सुमे नर उतर नहीं पा रहा, कलयुग केवल नाम आधारा। उसके बारे में उन्होंने कहा, नाम रहा संतन आदिना, और संत बिना कोई नाम नहीं चीना, बगैर संतों के नाम की पहचान नहीं हो सकती है। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि नाम ले लो, नाम की कमाई करो। और कबीर साहब ने तो और स्पष्ट कर दिया था कि कोटिन नाम संसार में और ताते मुक्ति न होए, और आदि नाम जो गुप्त जप है बूझे बिरला कोई। उन्होंने कहा कि जो आदि नाम है, यहाँ से जो ये जीवात्माएं आई हैं, वो नाम अगर मिल जाए तो समझो कि अभी काम बन जाए। तो वह नाम को गोस्वामी जी ने राम बताया, इनको तो राम बताया दशरथ के पुत्र राम को, लेकिन उनको भी राम बताया। और कबीर साहब ने तो और भी खोल दिया। आदर हम लोग कबीर साहब ने तो कहा, एक राम तो यह है और एक राम अंतर में मन को राम बताया, और एक राम काल भगवान को बताया, और एक राम उनको बताया। यानी इन्होंने भी उसको कहा है, समझाया है, बताया है। इस तरह से एक एक कहा गया है इसमें, एक राम दशरथ घट बोले, एक राम घट घट में बोले, और एक राम का सकल पसारा, और एक राम सब जग से न्यारा। तो वो दशरथ के राम अलग थे, दशरथ के पुत्र राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम वो अलग थे, भगवान राम जिनको कहा गया वो अलग थे, जिनके मंदिर जगह जगह बन रहे हैं, बनेंगे, मूर्तियां लगी हुई हैं, वो अलग थे। उनका भी कई रूप था, उनका भी बाल रूप था, उनका भी जो है विद्या अध्ययन का रूप था, उनका विद्यालु रूप था, और उनका भी काल रूप तीन कर्म भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फलदाता, यानी वो भी एक रूप था। रौद्र रूप जिसको कहते हैं, जब उन्होंने कहा लक्ष्मण बाण सराहो बिन भय हो न पीट, जलद जड़ माने नहीं गए तीन दिन बीत, तब उनका कौन सा रूप था, रौद्र रूप था। धनुष को बिल्कुल तान दिया था, लड़ाई के लिए तैयार हो गए थे, जैसे धुंध भी बज जाती थी, जैसे अलार्म बज जाता है इस समय, लड़ाई का ऐसा रूप हो गया था। और जब हनुमान जी सेवा करते थे, जब पैर दबाते थे, तो उनको जब आशीर्वाद देते थे तो वो रूप अलग था। तो शक्ति उनके अंदर भी थी, शक्ति न होती तो ये काम ही न कर पाते। जिसको लोग अनुभवनी कहते थे कि राक्षसों का संहार ही नहीं होगा, रावण का विनाश ही नहीं होगा, अब तो राक्षस राज हो जाएगा, धर्म राज खत्म हो जाएगा, तो धर्म के उन्होंने स्थापना किया था। लेकिन वो कौन राम थे दशरथ के घर में आए थे, इनको ईश्वर कहा गया, खुदा कहा गया, निरंजन भगवान कहा गया था, कहा गया, वहाँ से आए थे, उनके अंदर ब्रह्मकांश था। तो एक वो थे और एक घट घट में लेटा करके अपने राम मन को भी राम कहा गया, और एक राम तब जग से न्यारा। तो वो कुल मालिक जिसको अनामी कहा गया, अकाल कहा गया, जो काल के यहाँ जन्म नहीं लेता, काल लोक में नहीं आता, मृत लोक में नहीं आता, काल का उसमें कोई अंश नहीं है, तो एक राम उन्होंने उसको कहा। तो अब आप ये समझो कि सार तो उसमें भर दिया,
लेकिन निकालने की जरूरत है। अगर निकाल लिया जाए सार तत्वों को तो समझ में आ जाए और काम बन जाए।